हे नाथ, मैं जिस योनि में भी जाऊं, मैं जिस योनि में भी जाऊं, लेकिन हमारा आपके चरणों में प्रेम बना रहे। और ध्यान रखना बंधु, अगर भगवान से मांगना है तो केवल यही मांगो कि भगवान हमारा आपके चरणों में प्रेम बना रहे, और कुछ ना मांगो। मांगने में तो घाटे में रहोगे। और प्रेम जो मांगा जाए वो प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए, घटे ना। ऐसे नहीं कि आज कुछ कल और कुछ। भगवान के चरणों में जो प्रेम हो बंधुओं, वो दिन प्रतिदिन अबाध रूप से बढ़ना चाहिए। आज माता ने यही मांगा, अहिल्या ने यही मांगा, मैं कहां जाऊं, कहीं भी जाऊं, लेकिन मेरा मन आपके चरणों में बंधा रहे। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ ते भज, छाड़ कपट जंजाल। भगवान का नाम ही अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछक कल्पित भक्त, अकारण ही तार दिया। अहिल्या से कोई लेना देना नहीं। जब बिना कारण के ही तार देते हैं तो उनका तो काम ही है कृपा करना। वो तो कृपा करते ही करते हैं, उनका तो काम ही कृपा करना है, और हमारा काम है भजन ना करना। हमारा काम है भजन ना करना। हमने भी कह दिया भजन करेंगे नहीं, लेकिन भगवान कहते हैं नहीं करो, लेकिन बेटा का थोड़ा सा भी कर लोगे तो हम बहुत ज्यादा देंगे। क्यों? सन्मुख हो जीव मोहे जब ही जन्म कोटि अघ नाश होता ही। भगवान कहते हैं बेटा तुम हमसे मिलने को 10 कदम चल सकते हो तो हम तुमसे मिलने को 1000 कदम चल सकते हैं। जय हो। तुम अगर मिलने को हमसे मिलने को घर छोड़ सकते हो तो हम तुमसे मिलने को बैकुंठ छोड़ सकते हो। अगर तुम हमसे मिलने को, लेकिन बेटा तुम संसार की तरफ मुंह किए हो और हमारी तरफ पीठ किए हो, क्योंकि संसार को तुम अपना समझते हो, और जो संसार से संबंध रखेगा वो संसार भी नष्ट होगा, वो भी नष्ट होगा। हमारा शरीर क्यों नष्ट होता है? शरीर का संबंध संसार से होता है, इसलिए शरीर भी नष्ट होता है और संसार भी नष्ट होता है। आत्मा नष्ट इसलिए नहीं होती कि आत्मा का संबंध तो परमात्मा से होता है। बोले राघव सरकार की जय हो। आत्मा का संबंध परमात्मा से है, इसलिए आत्मा अजर अमर है, ना पैदा होगी ना मरेगी। आज राघव सरकार ने कितनी कृपा की, अहिल्या को उतार दिया अकारण। पूज्यपाद प्रातस्मणि गोस्वामी जी कहते हैं अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ ते भज, छाड़ कपट जंजाल। आज गोस्वामी जी अपने आप को सठ कहते हैं। हम कितने सठ हैं, कितने मूर्ख हैं, कि वो तो करुणा करने के लिए घूम रहे हैं लेकिन हम करवा कहां रहे हैं। भगवान कहते हैं बेटा तुम संसार को अपना समझ रहे हो, और अगर संसार की तरफ पीठ कर लो, हमारी तरफ मुंह कर लो, सन्मुख हो जाओ हमारे। सन्मुख हो ये जीव मोहे जब ही तो जन्म कोटि अघनाश होतव ही। सन्मुख हो ये जीव मोहे जब ही
जन्म कोई अघना सतव ही। अगर बेटा तुम संसार की मोह माया को त्याग करके मेरे सामने आ जाओ, भाई हमारा परमात्मा हमारे पास है, सबका भगवान सबके पास, लेकिन हमें आपको दिखता क्यों नहीं? इसलिए नहीं दिखता बंधुओं, इसलिए नहीं दिखता कि हमारे और उसके बीच में एक मोह माया ममता का पर्दा पड़ गया है। वो मोह माया ममता का पर्दा हो गया है काला। जैसे हम यहां बैठे हैं, सिर्फ बीच में आप पर्दा डाल दो काले रंग का, तो आप हमें नहीं देखेंगे, हम आपको नहीं देखेंगे। जबकि इस तरफ हम हैं, वो उस तरफ आप हैं। भगवान कहते हैं बेटा तुम हमसे मिलने को उत्सुक तो हो, श्रद्धा तो बनाओ। अरे संसार तो ऐसा है, एक बार भी राम का नाम मुंह से निकल गया काम हो जाएगा। जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंत राम कहे आवनाही। हम सब कुछ करते हैं, भजन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, कथा सुनते हैं, यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ करा रहे हैं, सब इसलिए तो कर रहे हैं कि अंतिम समय में हमारे मुख से राम नाम निकल जाए। अंतिम समय में हमारे मुख से राम नाम निकल जाए, लेकिन आज हम राम का नाम लेंगे नहीं तो जिस दिन आवश्यकता पड़ेगी उस दिन ले नहीं पाएंगे। गला पहले ही अवरुद्ध हो जाएगा, खड़र खड़र करने लगे, बोले नहीं। इसलिए आज भगवान ने जब सब कुछ दिया है तो उसका सदुपयोग कर लो। हम लोग क्या करते हैं, समय का दुरुपयोग ज्यादा करते हैं, समय का दुरुपयोग करते हैं ज्यादा, सदुपयोग का तो समय है ही नहीं। अगर कोई कहेगा कि चलो भैया कथा सुन, चलो कद उतना की और रह गई, अरे यार हमारा तो आज टेंशन है, हमारा दिमाग खराब है, हम नहीं जा रहे, और कोई आदमी से कहो ताश खेल में चल रहे, तुरंत चलो जाओ, कथा सुनने में टेंशन है और ताश खेल में लो टेंशन, कोई टेंशन नहीं। तो हम जो समय का दुरुपयोग कर रहे हैं ये अच्छी बात नहीं। भागवत में एक श्लोक आया है, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निरास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम करो कीर्ण भास्तम। ये हमारा आपका जो जीवन है क्या है, एक बहुत बड़ा अजगर सांप है, और अजगर सांप के मुंह में हम और आप सभी बैठे हैं, लेकिन हम और आप सुरक्षित कब तक हैं, जब तक उस सांप ने मुंह बंद नहीं किया। और जिस दिन सांप ने मुंह बंद कर लिया नहीं, उस काल रूपी अजगर के मुख का ग्रास हम सभी बने। हम अभी आपको 9:15 बजे 9:30 बजे कथा सुना रहे हैं, और 10 बजे हम सुना पाएंगे कि नहीं कोई गारंटी है, आप सुन पाएंगे कि नहीं कोई गारंटी है, हमने एक कदम आगे रखा दूसरा रख पाएंगे कि नहीं कोई गारंटी है, हमने पलक बंद किया खोल पाएंगे कि नहीं किसी के पास गारंटी है, हमने सांस ली उसको हम छोड़ पाएंगे कि नहीं कोई गारंटी है, लेकिन पोकलीन मशीन तो आ सुनी पलक होने अगली साल तो हमें फिर सर उठाओगे, एक सेकंड का पता तो नहीं है, एक सेकंड का पता नहीं। और व्यवस्था 90 साल सोच रहे हैं ऐसा करना है, मलारा में घर, छतरपुर में गाड़ी, हैदराबाद में मकान, तो सोचना विचारना ये सब व्यर्थ की बात, बोलो एक सेकंड का पता है। लेकिन समस्या ये है, कथा सुनने को तो कल, कथा सुनने को तो कल सुनेंगे, और ताश खेलने को तो आज। ये जो क्या है, इस समय का दुरुपयोग हम करते हैं, ये अच्छी बात है। क्यों? काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, और पल में परलय होएगी, बहुर करे को कब। कोई ठिकाना नहीं बंधुओं,
कोई ठिकाना नहीं है। कल की बात आप करते हैं तो कल तभी तो आएगा जब 24 घंटा निकल जाएंगे, रात निकलेगी, दिन निकलेगा, तभी तो कल आएगा। अरे भरोसा तो नहीं है एक पल का। पल में प्रलय हो तो ये पल क्या करे, और पल की कला न जाने क्या करे। पल मिले, पल मिले ना मिले, राम का नाम ले। चलो कल पर कभी नहीं टालो, अच्छे काम को कल पर बिल्कुल नहीं टालो और बुरे काम को जल्दी नहीं करो। अगर कोई गड़बड़ काम है, कोई कैचुआ खेलने चलो काल चले, लेकिन कथा सुनने आ जाइए। अरे कल कल करे तो कल क्या करे, और कल की कला न जाने क्या करे। कल को कहते हैं काल, और तो काल किसी ने समझा है? कल का कोई भरोसा नहीं है। कल मिले ना मिले, कल मिले ना मिले, कल मिले ना मिले, राम का नाम ले। कल मिले ना मिले, कलयुग केवल नाम अधारा और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इस कलिकाल में, इस कलयुग में उनके नाम के अलावा दूसरा सहारा भी नहीं, दूसरा सहारा है ही नहीं। इसलिए कह रहा हूं राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा।
मुश्किल में नर्तन मिला। ऐसे नहीं मिल गया, हमें मनुष्य बना दिया, ये भगवान की कृपा नहीं, घोड़ा बना देते हैं से आप सामने नच रहे होते बमक बमक भगवान की कृपा है कि हमें आपकी बना दिया घोड़ा पे बैठिए बड़ी मुश्किल में नर्तन मिला। अब क्या पता ये किधर जाएगा, क्या पता ये किधर जाएगा, क्या पता ये किधर जाएगा। चर्चा जिस घर निकल जाए